दोस्तों, हाल ही में पुर्तगाल में दुनिया का लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज का अनावरण किया गया है। दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है 516 एरोका या फिर 516 एरोका। एज द नेम सजेस्ट, इट इज 516 मीटर्स या फिर 1700 फीट लॉन्ग एंड 175 मीटर्स या फिर 574 फीट हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। इसी के साथ इस ब्रिज ने स्विट्जरलैंड के चार्ल्स क्विनोन सस्पेंशन ब्रिज को ओवरटेक किया है, जो कि 1621 फुट लॉन्ग है। इस ब्रिज को बनाने में पूरे 2 साल का समय लगा है और नियर अराउंड $3 मिलियन का कॉस्ट लगा है। इट टेक्स अराउंड 10 मिनट्स टू क्रॉस दिस ब्रिज। COVID-19 को मद्देनजर रखते हुए एट अ टाइम एट प्रेजेंट ओनली 100 पीपल्स आर अलाउड ऑन दिस ब्रिज। ये ब्रिज यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड एरोका जियो पार्क में बहती हुई नदी के ऊपर से गुजरता है, जिसका दृश्य देखते ही बनता है। ये एल्प्स में स्थित अब तक के वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज से लगभग 22 मीटर की ऊंचाई पर है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन इटिकॉन्स कॉन्डोरिल, एजनहेरिया और पुर्तगाल की नेशनल लेबोरेटरी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा किया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज वी शेप्ड कॉन्क्रीट टावर्स एट ईदर साइड्स ऑफ द वैली, जो इस ब्रिज को सपोर्ट करता है। इस ब्रिज की मदद से पुर्तगाल की राष्ट्र सरकार अपने देश में टूरिज्म को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, जो पिछले कुछ समय से COVID-19 के चलते रुकी हुई थी। जाते जाते अगर हम पुर्तगाल के बारे में बात करें तो यहाँ की कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है यहाँ की यूरो। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।